Assalamualaikum everyone, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे jQuery bind method। jQuery bind method जो है वो एक inbuilt method है जिसको हम यूज करते हैं attach one to more event handlers के लिए, जिसमें हम selected element आता है आपका, और ये जो है वो method specify कर रहा होता है function को जिसको हम run कर रहे होते हैं event को, तो जिसके अंदर syntax आता है आपका jQuery जो है वो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया गया, सिलेक्टर जो है पुट किया गया डॉट बाइंड इवेंट डाटा और फंक्शन। पैरामीटर्स हैं ये जो है वो सब कर रहा होता है थ्री पैरामीटर्स को, जिसमें जो है वो स्पेसिफाइड यहाँ बताया गया। सबसे पहले आता है इवेंट, इसमें जो है वो इवेंट टाइप आता है जिसको हम पास कर रहे होते हैं एलिमेंट्स सिलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए, और सेकेंड आता है डाटा, ये जो है वो डाटा जिसको हम शो कर रहे होते हैं ओवर द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। तो थर्ड आता है फंक्शन, ये जो है वो फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहा होता है बाय सिलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए। तो jQuery calls टू शो द वर्किंग ऑफ बाइंड मेथड, एग्जांपल वन है जिसमें यू हैव एक कॉड क्लिक इवेंट आर अटैच किया गया एक गिवन पैराग्राफ के साथ, यूजिंग दिस मेथड को जो है वो यूज किया गया। HTML doc type, HTML और हेडिंग जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग यूज किया गया, स्क्रिप्ट का सोर्स जो है वो पुट किया गया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्क्रिप्ट जो है वो ओपनिंग टैग यूज किया गया जिसके अंदर आप डॉलर साइन डॉक्यूमेंट पुट कर रहे हैं, डॉट रेडी फंक्शन पुट किया गया, और यहाँ पे jQuery एक्शन जो है परफॉर्म किया गया। पैराग्राफ जो है वो डॉट बाइंड है और क्लिक फंक्शन जो है वो पुट किया गया। अलर्ट है जिसके अंदर आप गिवन पैराग्राफ को क्लिक कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्टाइल है जिसके अंदर आप पैराग्राफ जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, ब्लॉक है, पैडिंग जो है वो इतनी है, विड्थ जो है वो 280 पिक्सल है, बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं क्लिक मी, और पैराग्राफ क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉडी और एचटीएमएल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें क्लिक मी, इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। आउटपुट यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे नीचे जो है वो क्लिक मी एड किया गया। सेकेंड में जो है वो कोड यूज किया गया, सेम क्लिक इवेंट को जो है वो एड किया गया। इसमें जो है वो टाइम डाटा जो है वो पास किया गया इस मेथड से। तो एग्जांपल है यहाँ पे HTML doc type, HTML heading जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग यूज किया गया। उसके बाद स्क्रिप्ट का सोर्स है जिसमें आप URL लिंक पुट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। स्क्रिप्ट जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप फंक्शन पुट कर रहे हैं, हैंडलर नेम पुट कर रहे हैं, इसके बाद अलर्ट जो है वो डाटा डॉट मैसेज जो है वो पुट कर रहे हैं। यहाँ पे हेयर डाटा इज पासिंग अलोंग विद द फंक्शन इन बाइंड मेथड जो है वो यूज कर रहे हैं। डॉक टाइप जो है वो यहाँ पे यूज किया गया, यहाँ पे जो है वो jQuery मेथड यूज किया गया, और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन पुट किया गया जिसमें आप यहाँ पे पैराग्राफ पुट कर रहे हैं, बाइंड क्लिक जो है पुट किया गया। उसके बाद मैसेज या यू जस्ट क्लिक दी पैराग्राफ, हैंडलर नेम पुट किया गया, और स्क्रिप्ट जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्टाइल है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक किस तरह का होना चाहिए, पैडिंग जो है वो 50 पिक्सल है, विड्थ जो है वो 280 है, और बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है। स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी है जिसके अंदर आप पॉप विल बी अपीयर आफ्टर ए क्लिकिंग ऑन दिस पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ जो है ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप क्लिक में पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो बटन ऐड किया गया। बॉडी और एचटीएमएल जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। अब आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें क्लिक में जो है वो यहाँ पैराग्राफ जो है वो पुट किया गया बाइंड मेथड में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया jQuery बाइंड मेथड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।